ये देखो वाइट खाड़ी पेस्ट, वाइट खाड़ी पेस्ट के साथ होगा। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, वाइट खाड़ी पेस्ट को इसके साथ। उसके बाद इसको मतलब वो उसमें क्ले पॉट में मैंने डालना है। ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, कोई पहले सॉन्ग लगा कर मैंने किया था। तो ये क्ले पॉट है वाइट खाड़ी के साथ कोट करके, उसके बाद इसको करना है क्ले पॉट क्रम्बल्स से। क्ले पॉट का जो क्रम्बल्स है ना उसमें कोट करना है इसको, ताकि अच्छे से मतलब अच्छी और क्रंची बन जाए। और नए तरीके की है ये, देखो वाइट खड़ी और क्ले क्रम्बल्स। सारे क्ले पॉट को हम वैसे ही कर लेंगे वाइट खड़ी पेस्ट में डिप करने के बाद, क्ले पॉट के क्रम्बल्स के साथ कोट कर लेंगे और उसके बाद क्रंच करेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये, देखो क्ले पॉट का स्टॉक भी ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास। ये जो टूटे फूटे जो भी थे हाफ हाफ पीस का, उसी का मैंने किया है। ये कोलकाता क्ले पॉट का छोटा पीस है, देखो क्रम्बल्स के साथ कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी अच्छा ही होगा, टेस्टी लगेंगे ये वाइट खड़ी पेस्ट और क्रम्बल्स में कोट किया हुआ है। हो गया, देखिए अच्छा लग रहा है कितना। ऊपर से थोड़ा थोड़ा वाइट खड़ी पेस्ट और डाल देते हैं। वाइट खड़ी पेस्ट ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि ये ज़्यादा मुंह में चिपकती है। चलो फिर ओके, आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय करना, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इनमें से।